ये लूडो वाला डिज़ाइन सीखना, ठीक है ना। लूडो में ध्यान से देखो क्या चीज़ है, ऐसा पोरल में कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये जो ब्लॉक्स हैं इसको गिनते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने आएंगे, ये कितने हैं, एक लाइन, दूसरा, तीसरा, चार, पाँच, छः, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हॉरिजॉन्टल, 15 वर्टिकल है, राइट। हर एक का, अब ये स्क्वायर भी है, तो देखो ध्यान में रखो, टोटल 15x15 स्क्वायर और ये कलर कॉम्बिनेशन। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नया फाइल लेंगे, राइट। इसकी डायमेंशन स्क्वायर में 200x200 रखा है, इसको नाम देता हूँ लूडो, ठीक है। ये आ गया 200x200, अब डबल क्लिक कर दो इसको। अब ये 15, हमको 15 इसमें चाहिए, 15 इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 15 कर दिया तो एग्जैक्टली एक आ गया, ठीक है। तो अब 13.33 इसको भी डिवाइड बाई 15 कर दिया, देखो ये एग्जैक्ट स्क्वायर आ गया। डबल क्लिक कर दो इसको, यहाँ टॉप लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब कितना है, 13.333 mm है ना, ये हम इसका क्या है, नज़दीक इतना कर देंगे डिस्टेंस, ठीक है। प्लस दबाओ, ये अपने आप कॉपी होता जाएगा, टोटल 20 होंगे। आइए सर, देखो बेटा फिर क्या करेंगे, इसी को दोबारा कॉपी करेंगे, तो ये पूरा का पूरा लेयर बन गया, फिल हो गया। अब हमें क्या है, बीच के तीन चाहिए होते हैं, तो टोटल 15 है, 6, तो 6x6 का एक स्क्वायर ले लूँगा मैं। देखो ये कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 4, ये 6x6 का, ये 6, ये 6, 6 हुए, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको सेलेक्ट करो, इसको फिल कर दो, ये एक कलर फिलहाल टेम्प्रेरी दे दिया। अब इसको कॉपी करो, अगेन इसको राइट में ले लो, इसको कॉपी करो, अगेन इसको बॉटम ले लो, अगेन इसको कॉपी करो, इसको लेफ्ट ले लो। अब क्या करते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं, ये 6x6 वाले जो थे हम सेलेक्ट करके इसको उड़ा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, ये चाहिए नहीं अभी हमें। इसको बॉटम लेफ्ट कर दिया, ऐसे ही इसको उड़ा देते हैं, ये 6x6 के उड़ा देंगे हम, देखो, ठीक है। इसको भी लेफ्ट लाइन कर देंगे, इसको बॉटम राइट, सेम थिंग यहाँ पे भी, ठीक है, टॉप राइट, सेम थिंग यहाँ से, देखो टॉप लेफ्ट। अब क्या हो गया, हमारा पूरा लूडो का जैक हो गया, बोर्ड हो गया। अब इसका अंदर कलर दे देते हैं पहले हल्का सा, देखो येलो, ग्रीन, क्या होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ये चार कलर होते, ठीक है। अब क्या करने का, इसके अंदर इसको प्लस दबा दो, प्लस दबा के इसका 75%, देखो अंदर आ गया, सेम प्लस दबा दो, 75% कर दो, देखो सेम प्लस दबा दो, इसको भी 75% कर दो, सेम थिंग यहाँ प्लस दबा दो और 75% कर दो, देखो अब आ गया। अब क्या करने का, यहाँ पे हमारा रेड होता है राइट, एक यहाँ होता है और फिर ये फिलिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी रेड होता है ना, और एक यहाँ होता है राइट। इसके बाद में यहाँ येलो आएगा, देन यू हैव हियर येलो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी येलो आ जाएगा, देखो अगेन यहाँ भी येलो आएगा, ठीक है, नहीं येलो आएगा, ग्रीन आएगा, यहाँ ग्रीन आता है, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 राइट, एंड हियर दिस वन ग्रीन, ठीक है, ऐसे ही होता है, और यहाँ आएगा रेड, ठीक है, देन हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रेड, और अंदर के ये चार ये हमको नहीं चाहिए, हाँ ब्लू, सॉरी कलर बदल देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, देखो ये हटा दिया, ये हमारा ब्लू हो जाएगा, मैंने रेड गलती से कर दिया, ये हो गया ब्लू, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे हम दे देंगे ये स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हमको क्या करना है, ट्रायंगल कर देना है, ठीक है, विल डू ट्रायंगल राइट, ये है पॉलीगॉन ट्रायंगल, ये वाला देखो, ये इसके सेंटर बॉटम, तो एग्जैक्टली देखो ये मैच किया, और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे, ये हमें मिलेगा मिड पॉइंट राइट, मिड पॉइंट मिला, इसको ड्रैग करो, ये हो गया, इसको कॉपी करो, कॉपी करके इसको रिवर्स कर लो, घुमा लो ऊपर, इसको टॉप ले जाओ, अगेन इसको कॉपी करो, 90 डिग्री घुमा लो, ठीक है, इधर लेके आओ लेफ्ट एंड टॉप, फिर कॉपी करो, इधर लेके आ जाओ राइट, इसको फिर घुमा लो, हाँ दिस वे। अब देखो ये ग्रीन राइट, ये रेड, ये ब्लू,
एंड ये येलो। देखो लेआउट तो बन गया पूरा। अब पैचेस डालने हैं, सर्कल राइट, एलिप्स लो, मेक इट अ सर्कल लाइक नियर अबाउट 21 21। हाँ कलर भी कर देते हैं ना, वो चेंज कर देते हैं दो मिनट में। देखो टॉप लेफ्ट, इसको भी टॉप लेफ्ट कर, टॉप राइट कर देंगे। अब क्या करने का, स्पैन जो है 13 की जगह हम 2 कर देते हैं, 2 mm आगे 2 mm नीचे, 2 4 mm कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 4 mm ऐसे करेंगे, दोनों को कॉपी करो प्लस दबा के इसके बॉटम में ले आओ, इसको 4 mm आगे ले लो राइट। अब चारों को सिलेक्ट करो, वाइट कलर फिल करो, ग्रुप कर दो, प्लस दबा के यहाँ लेके आओ, प्लस दबा के यहाँ लेके आओ, ठीक है ठीक है, इसका प्लस दबा के यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अब अंदर का कलर डार्क कर देना है, तो एक ब्लैक शेड लो, इसको वापस रेड, जैसे ब्लैक भी कर सकते हो चाहो तो, सब में आप ऐसे ब्लैक रखना हो तो अलग तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। इसको रेडियस देना है, आर्क देना है, तो इस तरह से सिलेक्ट करके रेडियस पॉइंट भी दे सकते हो। देखो ये सिलेक्ट करो कि 10 का रेडियस चाहिए, 10 बाय 10 10 बाय 10, ठीक है। सबके लिए वही दे सकते हो, 10 10 का आर्क दे दिया। देखो सेम थिंग यहाँ 10 10 10 10, आपको ये सेम ब्लैक नहीं चाहिए, वापस वही कलर चाहिए तो वो ऐसे ब्लैक करना, तो ब्लैक भी ठीक है। ये देखो कितनी देर लगी, टोटल डन। अब यहाँ स्टार्ट स्टॉप फिनिश जो भी लिखना लिख सकते हो, अपना खुद का लूडो बना लिया राइट।